दोस्तों, लौकी से हम क्या क्या बना सकते हैं, चाहे वो लौकी का हलवा हो, सब्जी हो, कोफ्ते हो, रायता हो, ऐसे बहुत सारी रेसिपी जो लौकी के साथ हम बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चलिए, आज एक रेसिपी मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर, आशा करती हूँ पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए, मैंने यहाँ पर लिए रखी है एक लौकी जिसके मैंने छिलके निकाल कर उसको धो कर कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कुछ इतनी हुई है। लौकी के अनुसार ही मैं यहाँ पर सारा सामान ले रही हूँ। जैसे लौकी की क्वांटिटी जितनी हुई है उसी के अनुसार मैंने एक कटोरी के जितना बेसन लिया है, एक कप दही लिया है और दो कप पानी लिया है। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें मैंने आधा चम्मच के जितना जीरा, थोड़ा सा सरसों, कड़ी पत्ता और दो पिंच के जितना हींग, लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा करके उसमें डाला है। अब इसको मैं धीमी आंच पर थोड़ा भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें मैंने आधा चम्मच के जितना हल्दी डाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया वो सारी लौकी। अब इसको अच्छे से इसमें हम भून लेंगे। इसको मसाले में अच्छे से भूनने के बाद इसको कुछ इस तरीके से करके मैं इसको ढककर धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो लौकी हमारी आधी पक चुकी है। उसके बाद मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो दही मैंने 1 कप लिया था वो, और इसी कप में पानी डालकर 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। दही को आप चाहे तो फैट कर भी डाल सकते हैं। दही डालने के बाद आपको तुरंत ही इसको फैटना है, नहीं तो आप पहले से ही फैटा हुआ दही ले लीजिए। उसके बाद जैसे ही इसमें एक उबाल सा आ जाए, हल्का सा, तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी जो हमने बेसन लिया था वो। बेसन को चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। एकदम से बिल्कुल ना करिएगा, अगर आप एकदम से इसमें ऐड करेंगे तो गुठलियाँ पड़ सकती है, इसीलिए इसको धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा करके बेसन इसमें ऐड करते जाना है और चलाते जाना है। जब बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं धीमी आंच पर इसे 1.5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। 1.5 मिनट बाद आप देख सकते हैं बेसन में एक कच्चापन जो होता है वो चला गया है और बेसन कुछ अब ऐसा हो गया है। अब हमें थोड़ा सा मीडियम आंच करके बेसन को तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता का जो ऊपरी भाग होता है, जो आप पत्ते होते हैं, वो मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है, और जो पीछे की डंडी होती है उतना हिस्सा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको चलाते हुए जाएंगे जब तक कि बेसन गाढ़ा नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को करने में मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लगा। अब देखिए बेसन कुछ हमारा ऐसा हो गया है, कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने जब लग जाए तब आप समझिएगा आपका बेसन अच्छे से पक चुका है। ये अच्छे से पक चुका है, गैस को कर दिया मैंने बंद। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले रखी है जिसको मैंने तेल से ग्रीस किया हुआ है, और इसमें ये सारा डाल दूंगी और डालने के बाद इसको अच्छे से फैला दूंगी। आप चाहे तो थाली में भी इसको डालकर अच्छे से फैलाकर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ट्रे के अंदर अच्छे से इसको डालकर अच्छे से फैला दूंगी ताकि हर एक जगह से इसकी जो मतलब परत है, साइज़ है, वो एक जैसी आए। अब इसको इस तरीके से करके मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटे बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से जम गया है। अब हम करते हैं, ये देखिए ये अलग हो जाता है, इसकी यही खासियत है। अब मैं इसको पलटी कर देती हूँ, ट्रे से निकाल देती हूँ और उसके बाद इसके टुकड़े कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का रख रही हूँ क्योंकि ये चीज़ जो होती है, जैसे हम कोफ्ते खाते हैं उसी तरीके का लगता है, बस फ़र्क इतना है कोफ्ते जो होते हैं वो तले जाते हैं, यहाँ पर हम बिना तेल का, कम तेल का बना रहे हैं, इसीलिए
ये कुछ ऐसा लगेगा आपको। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। आप ऐसे भी करके भी इसको खा सकते हैं या आप सेलो फ्राई करके भी इसको खा सकते हैं। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, एक बड़ा टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता। अब इन सब चीज़ों को लेकर बनाते हैं। इसके साथ मैंने ऐड किया है मगज। मगज को मैं पेस्ट बनाकर हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, तो हम जो मगज का पेस्ट है वो हम 2 चम्मच लेंगे। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मगज से सब्ज़ी में गाढ़ापन आता है, इसलिए डाला जाता है। मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच के जितना तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें मैंने ऐड किया जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाता है उसमें मैंने डाला प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो अभी प्याज भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। अब इसे अच्छे से थोड़ा सा हम भून लेंगे। जब आप ये सब चीज़ें भूनते हैं तब गैस जो है उसकी आँच धीमी करके रखिए, क्योंकि ये मसाले जो होते हैं वो थोड़े छिटक के आते हैं और अच्छे से पकते भी नहीं हैं, जल जाते हैं। सो जब आप मसाला भूनते हैं तब उसको धीमी आँच पे भूनें। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड करी है, लाल मिर्ची अपने हिसाब से ऐड करी है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे हम धीमी आँच पर। जब ये थोड़ा सा भुन जाता है इसमें मैं 2 चम्मच जो मैंने आपको बताया मगज का पेस्ट वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, इससे सब्ज़ी में एक गाढ़ापन आता है और इसका स्वाद भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा भून चुकी हूँ उसको, कम से कम धीमी आँच पे 2 मिनट के जितना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी अपने हिसाब से। ये जो पानी है ये मैंने मिक्सर में, ग्राइंडर में मैंने मगज पीसा था उसी का ही पानी है, वो मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी आपको जितनी चाहिए आप उसी हिसाब से और मसाले के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम 1 उबाल आने तक के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाता है अच्छा खासा, इसमें मैंने ऐड किया गरम मसाला। गरम मसाला मैंने 1 बड़े चम्मच के जितना ऐड किया इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने लौकी और बेसन का जो हमने क्यूब्स बनाई हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। गैस की आंच इस वक्त धीमी रखनी है, बिल्कुल धीमी। ये देखिए कितना फ्लफी बना है, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस सब्जी को, और आप इस तरीके से भी इसको खा सकते हैं, सैलो फ्राई करके खा सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर ये सब्जी भी बहुत ही लाजवाब लगती है। तो अब मैं ये क्यूब्स को इसके अंदर सारे डालकर इसको धीमी आँच पर कम से कम छोड़ दूँगी 1 मिनट के लिए। गैस की आँच जो है वो तेज़ बिल्कुल ना करिएगा। अगर आप तेज़ करेंगे तो ये जो हमारे क्यूब्स हैं सारे फट जाएंगे, टूट जाएंगे। इसीलिए 1 मिनट के लिए बस आपको इसमें छोड़ना है, गैस को ऑन रखना है, वो भी धीमी आँच पे। तो गैस अब मैंने ऑफ़ कर दी 1 मिनट बाद, और ये हमारा बनके तैयार है लौकी की एक नई तरीके की रेसिपी। और इसको धनिया पत्ते के साथ गार्निश कर दिया मैंने। अब मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ, जब आप सर्व करें किसी को तो हल्के हाथों से इसको निकालें और उसके बाद आप सबको परोसें। तो ये थी मेरी एक नई रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप इसका ग्रेवी कितना टेस्टी लग रहा है, और बनकर भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मिलती हूँ अगले रेसिपी में अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।